नमस्ते खमागिनी, सलाम वालेकुम, केम छो केरो हाल का सकाय। मैं हूं करण रजानी, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें नोटिफिकेशन के लिए। नेपोटिज्म के खिलाफ काफी बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्री आई, लेकिन ग्रुपिज्म किसी ने नहीं बताया। शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने अपना दुख जताते हुए कहा कि पिछले काफी सालों से, यानी कि 9 सालों से, 2011 से मेरे साथ में गलत किया जा रहा है। बॉलीवुड के कुछ माफियाज हैं। अब जो मैं पूरा बातें आपको बताऊंगा, ये पूरी अध्ययन सुमन ने कही है, यानी कि शेखर सुमन के बेटे ने। शेखर सुमन जो आए दिन व्यंग कसते रहते हैं रिया चक्रवर्ती पर और जो लोग गलत करते हैं, अब उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताने जा रहा हूं। अध्ययन सुमन कहते हैं, मेरे साथ 2011 से हमेशा ऐसा किया गया है कि जैसे मुझे अलग फेंक दिया गया है, मुझसे बातें नहीं की जाती है, मेरे काम छीन लिए जाते हैं। मैं हालांकि एक उभरते हुए कलाकार का बेटा हूं, यानी कि शेखर सुमन का बेटा हूं, लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारे जो पापा हैं, यानी कि शेखर सुमन है, वो तो मूव्स एंड शेक्स करते हैं, यानी कि वो लोगों के खिलाफ बोल देते हैं। अब हालांकि अगर आप देखें तो शेखर सुमन गलत के खिलाफ बोलते हैं, ना ही सही के खिलाफ। वो सही के साथ जाते हैं और गलत के खिलाफ। ऐसे में अध्ययन सुमन का कहना है कि मेरी तरह काफी ऐसे उभरते हुए कलाकार हैं जिनको पीछे ढकेल दिया गया है। नेपोटिज्म नहीं कहा जाएगा, उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है क्योंकि नेपोटिज्म अगर कहें तो मैं भी नेपोटिज्म का एक हिस्सा हूं, लेकिन मुझे तो कोई काम नहीं देता क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जहां पर मेरे पापा सही के लिए लड़ते हैं और गलत के खिलाफ लड़ते हैं। यहां पर इस बॉलीवुड में ग्रुप बनाकर हमें सही के साथ गलत के साथ में रहना है और सही के अगेंस्ट में रहना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ड्रग्स लेते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो एक बॉलीवुड का ग्रुप है उनका, लेकिन जैसे मेरे पापा हैं उनका एक अलग ग्रुप है जहां पर कंगना रनौत है, शेखर सुमन है, रवि किशन है, यहां पर इनको बॉलीवुड में फिर एंट्री नहीं दी जाती है। या फिर कंगना रनौत का जैसे दफ्तर तोड़ दिया, शेखर सुमन के साथ भी आपको पता ही है कि शेखर सुमन के सारे मूवीज छीन लिए गए, उनको भी कभी काम नहीं दिया गया क्योंकि वो भी व्यंग कसते रहते हैं लोगों के ऊपर, और अपना जो उनका शो था उसमें उन्होंने काफी कुछ ऐसी चीजें कह दी थी। ऐसे में अध्ययन सुमन कहते हैं कि दुनिया गोल है लेकिन बॉलीवुड सबसे पहले गोल है, घूमकर बातें वहीं पर आती है। तो अब जब मैं आया हूं, मेरे साथ भी वही हुआ है। आप अगर नेपोटिज्म की बात करें, उन्होंने कहा कि मेरे साथ नेपोटिज्म नहीं हुआ है क्योंकि मेरे साथ तो ग्रुपिज्म हुआ है। तो ग्रुपिज्म एक बहुत बड़ी चीज है, जो एक नया वर्ड है जो उन्होंने निकाला है, और जैसे ही उन्होंने निकाला लोग नाराज होते हुए हैशटैग ग्रुपिज्म हटाओ, हैशटैग एंग्री अगेंस्ट ग्रुपिज्म, ये शुरू हो गए हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन अगर मैं हैशटैग की बात करूं तो हैशटैग काफी है। फिलहाल हमें जो करना है वो है सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में जस्टिस। सो वी नीड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत केस। सबसे मेन मोटो पूरे महाराष्ट्र का, पूरे देश का, पूरे हिंदुस्तान का यही है, मैं कहूंगा पूरी दुनिया का, क्योंकि हाल ही में आपने देखा था कि लॉस एंजलिस और काफी दुनिया भर की जगह पर, अमेरिका में और यूएस, यूके, सब जगह पर, ऑस्ट्रेलिया में भी सुशांत सिंह राजपूत के बैनर्स लगाए थे और वहां पर लिखा था कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। देखते रहे बॉलीवुड की खबरें हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। तब तक के लिए मैं एंकर करण रजानी, टेक केयर एंड गुड बाय।